नमस्कार दोस्तों, एवरी इंस्पायर्ड वन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे भाग्य और नियति का लेखा कोई टाल नहीं सकता। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुनना। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भाग्य के विषय में यह प्रश्न सदियों से इंसान के मन में उठा है। क्या हमारा भाग्य पहले से ही तय होता है या हम इसे खुद बनाते हैं? कई दार्शनिकों और धर्मों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यह जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे हर व्यक्ति अपने अनुभवों और विश्वास के आधार पर समझता है। तो आइए बढ़ते हैं। बात है मगध नाम के एक राज्य पर। राजा वासुदेव का राज्य हुआ करता था। राजा वासुदेव एक बहुत ही परोपकारी और दयालु स्वभाव के राजा थे। जो कोई भी राजा के दरबार में फरियाद लेकर आता वह मुंह मांगी मुराद पाता। उनके बारे में यह बात मशहूर थी कि उनके दरवाजे पर आने वाला कोई भी आदमी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। एक दिन राजा के दरबार में एक आदमी आया। उसने राजा को प्रणाम किया और कहने लगा, राजन, मैंने सुना है कि आपके सामने जो भी फरियादी आता है वह कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। अगर ऐसा है तो क्या 3 दिन के लिए आप मुझे अपनी राजगद्दी सौंप सकते हैं? आप महल में जाकर आराम कीजिए और मैं राजगद्दी पर बैठकर आपका राजपाट चलाऊंगा। राजा उसी वक्त राज गद्दी से नीचे उतर आए और फिर अपने दरबार में मौजूद सभी मंत्रियों और दरबारियों को आदेश दिया कि आज से ठीक 3 दिन तक सभी लोग इस आदमी के आदेश का पालन करेंगे। यह कहते हुए राजा ने उस आदमी को अपनी जगह पर बिठा दिया और खुद अपने महल में चला गया। वह आदमी 3 दिन तक बड़ी ठाट से राज गद्दी पर बैठा रहा और पूरे राज्य का शासन चलाता रहा। 4th दिन जब राजा उसके पास आया और कहने लगा, भाई, अब तुम 3 दिन तक इस गद्दी पर बैठ चुके हो, अब राज गद्दी से उतर जाओ और अपना रास्ता लो। यह सुनकर वह आदमी कहने लगा, राजन, पहले तो मैं सिर्फ इस इरादे से आया था कि आपकी दानवीरता की परीक्षा लूं। सच में मैंने जैसा आपके बाद में सुना था उससे कहीं बढ़कर आपके बारे में पाया है, लेकिन अब 3 दिन तक इस राज गद्दी पर बैठने के बाद मेरा इरादा बदल गया है। इस राज गद्दी से उतरने का मेरा दिल नहीं चाहता। आपको तो सारी दुनिया ईश्वर का अवतार कहती है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह राजगद्दी और राजपाट ईश्वर के नाम पर मुझे दान में दे दीजिए। राजा ने जब उसकी बात सुनी तो मुस्कुराते हुए कहने लगे, लो भाई, यह राजगद्दी और यह राजपाट आज से तुम्हारा हो गया। अब तुम इसे संभालो, मैं चलता हूं। यह कहकर राजा अपने महल में वापस आ गए। उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी भी महाराज की तरह बहुत ही नेक दिल थी। उन्होंने शिकायत का एक शब्द भी अपनी जुबान पर नहीं आने दिया। राजा और रानी अपने दोनों बेटों को लेकर महल से बाहर निकल पड़े। जाने से पहले उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वस्त्र पहन लिए। राजा को ईश्वर पर बड़ा ही विश्वास था। वह मन ही मन में सोचने लगे कि लगता है परमात्मा ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा है। राजा अपनी पत्नी और दोनों बेटों को लेकर सफर पर रवाना हो गए। राजा सोचने लगा, कल तक मेरी सवारी के लिए सैकड़ों हाथी और घोड़े मौजूद थे, आज पैदल चलना पड़ रहा है। कल तक हजारों नौकर चाकर मेरे सामने खड़े रहते थे और आज कोई हालचाल पूछने वाला भी नहीं है। लेकिन राजा ने ऐसी हालत में भी शिकायत का एक शब्द अपनी जुबान पर नहीं लाया। पैदल सफर करते करते वह कभी 2 कोस चलते तो कभी 4 कोस, कभी कुछ खाने को मिल जाता तो कभी भूखे ही रहना पड़ता। मगर इस पर भी उसने परमात्मा पर पूरा भरोसा रखा और हमेशा परमात्मा का धन्यवाद करता रहा। कुछ दिनों तक इसी तरह पैदल सफर करने के बाद वे एक नगर में पहुंचे और एक सराय में जाकर ठहर गए। उस नगर के बाहर एक सौदागर का काफिला आकर रुका था। सौदागर अपने घोड़े पर सवार होकर नगर की सैर करता हुआ उस सराय की तरफ आ निकला जिसमें राजा और उसका परिवार ठहरा हुआ था। सौदागर की नजर जब रानी पर पड़ी तो उसे देखते ही उसने समझ लिया कि यह औरत किसी ऊंचे खानदान की है। वह मन ही मन रानी पर मोहित हो चुका था और उसने इरादा किया कि क्यों ना इस औरत से मैं विवाह कर लूं। मन में कुछ सोचकर वह राजा के पास गया। उसका हालचाल पूछने के बाद सौदागर राजा से कहने लगा, हुजूर, मैं एक व्यापारी हूं। मेरा काफिला नगर के बाहर ठहरा हुआ है। मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है और इस समय कोई ऐसा नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके। मुझे आप एक बहुत ही नेक दिल और दयालु दिल के मालूम पड़ते हैं। क्या आप अपनी पत्नी को 1 दिन के लिए मेरे साथ भेज सकते हैं? शायद उनकी वजह से मेरी पत्नी की तकलीफ कुछ कम हो सके, वरना मुझे तो लगता है कि वह जिंदा नहीं रह पाएगी।
राजा और रानी सौदागर की बातें सुनकर कुछ घबरा गए। आखिर नेक दिल राजा ने रानी से कहा, रानी अगर इस गरीबी की हालत में भी हम किसी के काम आ सके तो यह हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। तुम देर न करो और ईश्वर न जाने इसकी पत्नी किस हालत में होगी। रानी ने अपनी जुबान से इनकार का एक शब्द तक नहीं कहा और उसी वक्त सौदागर के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सराय से बाहर आकर सौदागर कहने लगा, मेरा काफिला शहर से काफी दूर है और मुझे यहाँ पर आए हुए काफी देर हो चुकी है। आप ऐसा कीजिए, मेरे साथ मेरे घोड़े पर बैठ जाइए ताकि हम जितनी जल्दी हो उसके काफिले तक पहुंच जाएं। रानी बेचारी उस सौदागर की चालबाजी को नहीं समझ सकी और उसके साथ घोड़े पर सवार हो गई। सौदागर घोड़े पर सवार रानी को लेकर अपने काफिले पर पहुंचा। उसने अपने काफिले को कूच करने का आदेश दिया। अपना घोड़ा उसने एक तरफ भगाया और रानी को ले चला। यह सब कुछ देखकर रानी को सौदागर की चालबाजी का पता लगा। रानी ने बहुत शोर मचाया, बहुत तड़पी, चीखी, चिल्लाई, मगर सौदागर को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। वह उसे घोड़े पर बिठाकर कहीं का कहीं ले जा पहुं पचा। दूसरी तरफ सराय में इंतजार करता हुआ राजा सोचने लगा कि उसकी पत्नी अब तक क्यों नहीं आई। उसने सोचा क्यों ना खुद चलकर देखा जाए कि आखिर माजरा क्या है। वह अपने दोनों लड़कों को अपने साथ लेकर सराय से निकला, शहर से बाहर आ पहुंचा। उसने सौदागर के काफिले को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन काफिले का कहीं पता नहीं चला। तभी उसे उत्तर दिशा में धूल उड़ती हुई दिखाई दी। राजा ने अनुमान लगाया कि जरूर वह आदमी उसकी रानी को लेकर उसी तरफ गया है। राजा भी अपने दोनों लड़कों को लेकर उस दिशा की तरफ चल दिया जिस तरफ काफिला गया था। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा रास्ता भटक गया और कहीं दूसरी जगह जा निकला जहां उसके सामने एक नदी बह रही थी। राजा ने इधर उधर देखा कि शायद नदी पार करने के लिए कोई नाव मौजूद हो, लेकिन वहां पर कोई नाव नहीं थी। उसने कुछ देर तक सोचा और फिर बड़े लड़के को नदी के किनारे पर बिठाया, छोटे लड़के को अपने कंधे पर बिठाया और मैं उतर गया। राजा का इरादा था कि पहले छोटे बेटे को नदी के पार पहुंचा देता हूं और फिर वापस आकर बड़े बेटे को ले जाएगा, लेकिन इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। वह छोटे लड़के को कंधे पर उठाकर बड़ी ही मुश्किल से नदी के बीचों बीच पहुंचा। तभी उसे बड़े लड़के की चीख सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक जंगली भालू उसके बेटे पर हमला करने वाला था। राजा आपने बेटे की चीख सुनकर घबरा गया। घबराहट की वजह से राजा के कंधे पर उसका छोटा बेटा नदी में जा गिरा और बह गया। अब तो राजा खुद भी बहुत ही परेशान हो गया और नदी में गोते खाने लगा, मगर राजा की जिंदगी अभी बाकी थी। वह जैसे तैसे नदी के एक किनारे तक जा पहुंचा। राजा यह समझ रहा था कि उसके बड़े बेटे को जंगली भालू ले गया और छोटा बेटा नदी में डूब गया। पहले तो राजपाट हाथ से गया और फिर रानी भी मुझसे छीन गई। अब दोनों लड़के भी मुझसे बिछड़ गए। राजा मन ही मन बहुत दुखी था। इसी हालत में वह चलते चलते गिरते पड़ते दोपहर के समय एक नगर के पास जा पहुंचा तो देखा कि शहर के बीचों बीच एक खुले मैदान में लोगों की भीड़ जमा थी। भीड़ को देखकर राजा हैरानी में पड़ गया और सच्चाई मालूम करने के लिए उस तरफ बढ़ने लगा। उस नगर का यह रिवाज था कि वहां के राजा की जब मौत हो जाती थी तो सभी दरबारी और मंत्री शहर के लोगों के साथ एक मैदान में इकट्ठा हो जाते थे। फिर एक बाज को उड़ाया जाता। यह बाज जिसके भी सिर पर बैठ जाता उसी को राजा मान लिया जाता था और राजगद्दी सौंप दी जाती थी। लोगों की भीड़ इसी कारण से वहां पर जमा थी। बाज छोड़ा जा चुका था, मगर अभी तक वह किसी के सिर पर नहीं बैठा था। किस्मत शायद इसी राजा का इंतजार कर रही थी। जैसे ही राजा फटे हाल वहां पर पहुंचा, बाज जाकर उसके के सिर पर बैठ गया। बाज का उसके सिर पर बैठना था कि तुरंत सभी दरबारी और हाथ जोड़कर उसके सामने आ खड़े हो गए और उसे अपना राजा मान लिया। वे सभी उससे प्रार्थना करने लगे, चलिए महाराज, अब आप ही इस देश के राजा हैं, चलकर अपनी गद्दी संभालिए। लेकिन राजा ने कहा, अरे भाई, मैं तो खुद राजपाट छोड़कर आया हूं। अपना राजपाट छोड़कर ही मैंने यह फकीरी हासिल की है। अब मुझे किसी भी तरह के राजपाट की कोई इच्छा नहीं है। राजा का ऐसा कहना था कि दरबारी समझ गए कि हमें इससे अधिक अच्छा राजा नहीं मिल सकता। वे सभी जिद करने लगे, आप ही हमारे राजा हैं। राजा के बार बार मना करने पर भी लोगों ने उसे अपना राजा बनाकर ही दम लिया। उसे राजा के कपड़े पहनाए गए, सर पर मुकुट रखा गया और महल में ले जाकर उसे राजगद्दी पर बिठाया गया। इसके बाद कई दिनों तक उस नगर में नए राजा के चुने जाने की खुशी में उत्सव मनाया गया।
राजा ने भी मन ही मन में इस राज्य को ईश्वर का पुरस्कार समझा और उस राज्य का राज्यपाठ चलाने लगा। मगर दिल ही दिल में राजा दुखी रहता था। जब भी उसे अपनी पत्नी और अपने बेटों की याद आती तो उसकी आंखें नम हो जाती। अब जरा उन बेटों का भी हाल सुनिए। जिस लड़के को जंगली भालू उठाकर ले गया था तो रास्ते में ही एक शिकारी की नजर उस पर पड़ी। उसने अपना तीर कमान पर चढ़ाया और निशाना सीधा भालू पर लगाया। भालू वहीं पर ढेर हो गया और लड़के की जान बच गई, और जो लड़का आंधी में डूब गया था वह एक मछुआरे ने उसे बचा लिया। यह दोनों ही आदमी के औलाद नहीं थे और उन्होंने इन दोनों लड़कों को अपनी औलाद समझकर इनका पालन पोषण किया। यह दोनों ही आदमी उसी नगर के रहने वाले थे जहां इन लोगों का पिता राजा बन चुका था। दोनों ही लड़के अपने अपने घर में बड़े हुए और वहां के राजा की सेना में वे भर्ती हो गए। भाग्य का करना ऐसा हुआ कि उन दोनों को राजा का अंगरक्षक बना दिया गया। समय बीतने की वजह से दोनों लड़कों की शक्ल सूरत अब बिल्कुल बदल चुकी थी। ना तो राजा उन्हें पहचान सका कि यह उसी के बेटे हैं, और ना ही उन लड़कों की समझ में यह आया कि राज गद्दी पर जो इंसान बैठा है यही उनका पिता है। बल्कि उन दोनों को तो यह भी एहसास नहीं हुआ कि वे दोनों सगे भाई हैं। यह भी कुदरत का ही खेल था कि वे इकट्ठे होकर भी अलग अलग ही थे। अब वह दोनों लड़के अंगरक्षक के रूप में हमेशा राजा के साथ ही रहते थे। राजा जब उनसे बातें करता तो उसे बहुत ही अच्छा महसूस होता। उन दोनों लड़कों से बातें करके राजा के मन को बहुत ही सुकून मिलता। अब किस्मत का करना ऐसा हुआ कि वह धोखेबाज सौदागर जो रानी को उठाकर ले गया था इसी नगर में आ गया। इस दौरान सौदागर ने लाख कोशिश की रानी उससे शादी कर ले, मगर वह नेक औरत किसी तरह भी शादी के लिए राजी ना हुई। सौदागर उसे एक अलग कैद खाने में रखता था और उसकी कड़ी निगरानी की जाती थी। इस सौदागर का यहाँ के पहले राजा के दरबार में अक्सर आना जाना रहता था। सारे दरबारी और मंत्री इस सौदागर को अच्छी तरह से पहचानते थे। जब सौदागर को पता लगा कि पुराने राजा की मौत हो चुकी है तो सौदागर को बहुत ही दुख हुआ। लेकिन मंत्रियों ने उसे बताया कि नया राजा पहले से भी ज्यादा नेक दिल और न्यायप्रिय है, तो यह सुनकर सौदागर ने मंत्री के हाथ राजा के लिए कुछ तोहफे भिजवा दिए और फिर खुद भी राजा से मिलने के लिए पहुंच गया। किस्मत की बात है कि राजा ने नहीं पहचाना कि यह वही धोखेबाज आदमी है जो उसकी रानी को ले भागा था। सौदागर भी यह ना समझ सका कि यह राजा भी वही आदमी है जिसे उसने धोखा दिया था। राजा ने सौदागर की बहुत ही मेहमान नवाजी की। सौदागर कई देशों की यात्रा कर चुका था। राजा सौदागर से उन देशों के बारे में पूछता और सौदागर उसे अपने सफर के किस्से सुनाता। एक दिन की बात है जब सौदागर और राजा काफी देर तक बातें कर रहे थे, शाम ढल चुकी थी। तब राजा ने सौदागर से कहा, दोस्त आज की शाम तुम यहीं पर रुक जाओ, मुझे व्यापार के मामले में तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। सौदागर उस रात में महल में रह तो गया, लेकिन वह कुछ परेशान सा नजर आ रहा था। राजा ने सौदागर से परेशानी का कारण पूछा तो सौदागर कहने लगा, हुजूर बात दरअसल यह है कि मेरी पत्नी पागल हो गई है, उसकी देखभाल मुझे खुद करनी पड़ती है। मुझे हर समय यह डर लगा रहता है कि कहीं पागलपन की वजह से वह कहीं भाग ना निकले और किसी मुसीबत में ना फंस जाए। इस पर राजा ने कहा, तुम आज महल में ही रहो और तुम्हारी पत्नी की चिंता मत करो, उसकी देखभाल का बंदोबस्त हम कर देंगे। राजा ने यह कहकर अपने दोनों अंग रक्षकों यानी उन दोनों लड़कों को सौदागर के काफिले में जाकर उस औरत का पहरा देने का आदेश दिया जिसमें सौदागर की पत्नी यानी रानी को रखा गया था। दोनों लड़कों ने आदेश पाकर उसी वक्त जाकर घर के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया जिस घर में वह औरत कैद थी। रात जब आधी से ज्यादा गुजर चुकी तो छोटे लड़के को नींद आने लगी। उस पर बड़े लड़के ने कहा, देखो भाई, इस समय नींद का आना ठीक नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों की गलती के कारण यह औरत यहां से निकलकर भाग जाए। इस पर छोटे लड़के ने कहा, तो फिर भाई ऐसा करो कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर नींद उड़ जाए। यह सुनकर बड़े भाई ने जवाब दिया, मैं तुम्हें अपनी ही कहानी सुना देता हूं, अगर गौर से सुनोगे तो नींद तो क्या तुम्हारी भूख प्यास तक उड़ जाएगी। यह कहने के बाद उसने कहानी सुनाना शुरू की। अरे भाई, मैं एक राजा का बेटा, हम मेरे पिता की न्याय प्रियता और दयालुता की दूर दूर तक चर्चा थी। लोग उसे ईश्वर का अवतार मानते थे। उसने अपना राजपाट ईश्वर के नाम पर एक आदमी को दान में दे दिया और फिर मेरी माँ और मेरे भाई को साथ लेकर सफर पर रवाना हो गया। रास्ते में मैं एक सौदागर ने धोखा देकर मेरी माँ को भगा कर ले गया। हम दोनों भाई अपने पिता के साथ ही थे।
आगे चलकर हमें एक नदी मिली जहां पर कोई नाव नहीं थी। मेरे पिता ने मुझे किनारे पर बिठाया और छोटे भाई को कंधे पर बिठाकर नदी के पार ले चले और वह नदी के बीचों बीच ही पहुंचे थे कि मुझे एक जंगली भालू ने मुझे पकड़ लिया। मेरे चीखने चिल्लाने से मेरे पिता घबरा गए और छोटा भाई उनके कंधे से उचक कर नदी में जा गिरा। इसके बाद उनका क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन जब मुझे वह जंगली भालू पकड़कर ले जा रहा था तभी मुझे एक शिकारी ने उस भालू से छुड़वा लिया और फिर मेरी किस्मत मुझे इस राजा तक ले आई। यह सुनकर दूसरा लड़का तुरंत से उससे लिपट गया और कहने लगा, नदी में गिरने वाला वह बच्चा मैं ही था, मुझे एक मछुआरे ने डूबने से बचाया। फिर दोनों भाई गले लगकर रोने लगे। उन दोनों के रोने की आवाज सुनकर अंदर कैद खाने में बैठी हुई औरत अचानक चौंक पड़ी। वह उन दोनों लड़कों से इसका कारण पूछने लगी। दोनों लड़कों ने जब सारी कहानी उस औरत को बताई तो वह कहने लगी, मेरे बच्चों तुम अपनी माँ को नहीं पहचान सके। यह कहते हुए वह उन लड़कों से लिपट गई। तब उनकी माँ ने बताया कि मैं अब तक इस सौदागर की कैद में थी। दोनों लड़के माँ माँ पुकारते हुए उसे लिपट गए। इसके बाद वे दोनों उसी समय राजा के पास गए और उसे सारी घटना कह सुनाई। राजा को अभी तक यह नहीं मालूम था कि सुधाकर की कैद में जो औरत है वह उसी की पत्नी है, लेकिन अब उसे मालूम था कि वह औरत इन दोनों लड़कों की माँ है। तो राजा ने यह फैसला किया कि वह इसी वक्त सारे मामले का दूध और पानी का पानी करेगा। उसने उसी समय उस औरत को लाने के लिए सिपाही भेजे। वह औरत जब राजा के सामने पेश हुई, जैसे ही राजा की नजर उस पर पड़ी तो राजा की समझ में सारा माजरा आ गया। राजा की पत्नी भी अपने पति को देख ही पहचान गई और उसके कदमों में गिर गई। दोनों भाई भी अपने पिता को पहचान चुके थे और पिताजी पिताजी कहते हुए वह राजा से लिपट गए। सौदागर ने जब यह देखा कि उसकी पोल अब खुल चुकी है तो वह वहां से भागने लगा, मगर राजा के सिपाहियों ने उसे यह मौका नहीं दिया। उसे गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया गया। अगले दिन राजा न्यू सौदागर का सारा माल जब्त किया और उसे मृत्युदंड दे दिया गया। अब जरा उस आदमी का हाल भी सुनिए जिसने राजा से राजपाठ दान में हासिल किया था। राजपाठ मिलने के बाद वह बहुत ही मनचला और निर्दय हो गया था। अपने खजाने को भरने के लिए उसने प्रजा पर कई तरह के कर लगा दिए। बेचारी गरीब प्रजा उसके जुल्म से परेशान हो गई। यहां तक कि मंत्री और दरबारी भी इस राजा से परेशान आ चुके थे। वे सभी इसी चिंता में रहते थे कि किसी तरह से वह अपने असली राजा का पता लगा पाए तो इस अत्याचारी राजा को हटाकर एक बार फिर से उसे बना दे। जब यह खबर उस राज्य तक पहुंची कि उनका राजा एक नए राज्य का राजा बन चुका है तो एक मंत्री ने उस अत्याचारी राजा को जहर देकर मार डाला। इस तरह से उस अत्याचारी राजा का अंत हो गया और वह मंत्री राजा के पास आया। सभी दरबारियों की तरफ से उसने प्रार्थना की कि वह फिर से अपने पुराने राज्य का राजपाठ संभाल ले। राजा के मन में भी अपने पुराने राज्य के लिए प्रेम जाग गया। वह अपने मंत्री के साथ उस राज्य में आया। इसके बाद वर्ष के 6 महीने वह अपने पुराने राज्य में रहता और फिर वर्ष के अगले 6 महीने वह अपने नए राज्य में रहता। इस तरह से वह दोनों राज्यों की बागडोर संभालता था। कुछ ही वर्षों के बाद जब राजा के दोनों पुत्र राजपाट संभालने के योग्य हुए तो राजा ने उन दोनों को एक एक राज्य का राजा बना दिया और खुद वह ईश्वर की भक्ति करने में अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन गुजारने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी नई मोटिवेशनल कहानियों के लिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों, तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी में। नमो बुद्धाय।